सो हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज है ट्यूसडे, टाइम हो रहा है आई थिंक 12 बज गए होंगे। आज हम थोड़ा सा लेट उठे और अभी मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ, तो व्लॉग का भी स्टार्ट कर रही हूँ। आज थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने प्रॉपर व्लॉग का सुबह का टाइम स्टार्ट नहीं किया, तो इसलिए आज मैंने अभी से ही स्टार्ट कर दिया है। कल आपको पता है मैंने हेयर वॉश किया था, तो इसलिए अभी मेरे बाल भी इस तरह के हुए हैं क्योंकि रात को गीले बाल थे तो मैं सो गई, और अभी जो है ना फिर इस तरह से हो रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे, आज आरसीएफ की नर्सरी की ओपनिंग डे है, तो हम एक्साइटेड हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और बस अभी नाश्ता करके तो फिर तैयारी करते हैं कि क्या पहनना है आरसीएफ ने मैंने, एंड वकार जॉब पे, ही विल कम अर्ली टुडे क्योंकि हम दोनों ने जाना है आरसीएफ को लेकर। तो ये है हमारा आज का नाश्ता, दो पराठे एंड दिस इज माय चाय। ये मैं एवरीडे की बनाती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं इसका कलर कितना अच्छा आता है, तो ये एवरीडे की है, इसका ज़्यादातर ऐसे अच्छा कलर आ ही जाता होता है। और ये भिंडी मैंने बनाई थी बहुत मज़े की। तो आज हमने आरसीएफ की नर्सरी में जाना है तो जल्दी से, इसलिए मैं पहले ही टाइम से खाना बना लेती हूँ। तो आज हम ये पका रहे हैं, इसको टिंडे कद्दू पता नहीं क्या कहते हैं लेकिन जो भी कहते हैं, ये बनाने लगी हूँ। अभी इसको कट करते हैं। मुझे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें खाना बिल्कुल पसंद नहीं, पर यहाँ पे आके ये भी अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। तो चलें फिर कट करते हैं। तो अभी निकाल लेते हैं कपड़े, कौन से पहनने हैं। आरसीएफ क्या पहनूँ मैं, समझ नहीं आ रही। आपकी नर्सरी, आई थिंक आई शुड वेयर दिस ड्रेस, और ये साथ इसके पैंट है। अभी ट्राई करके देखती हूँ, अगर अच्छा लगा तो फिर इसी के साथ जाऊँगी, वरना कुछ और देख लेते हैं। तो उसके ना थोड़े से डीप गला था तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए अब मैंने ये वाली शर्ट निकाली है जो मैंने एथनिक से ली थी, साथ ही जो पेंट मैंने ली थी जेनी से, पाकिस्तानी ब्रांड है दोनों। तो ये अब मैं आज ये पहनने का सोच रही हूँ। तो आरसीएफ के लिए मैंने ये वाले निकाल लिए हैं, ये जीन्स हैं, स्किनी जीन्स हैं, क्योंकि इसकी वेस्ट हमेशा लूज़ होती है आरसीएफ की, तो इसकी वेस्ट इसको सही आ रही है, तो फिर मैंने ये वाली निकाली है, साथ ये शर्ट ब्रेकआउट की ये वाली। तो ये दोनों आरसीएफ के हो गए और ये मेरा हो गया। तो अभी कपड़े मैंने आयरन कर लिए अपने और आरसीएफ के, सब्जी भी काट ली है और अभी खाना बनाना है। बाल स्ट्रेट फिलहाल मैं करने लगी हूँ, जिस तरह के भी होते हैं, इतने साफ तो नहीं होंगे जल्दी, अब टाइम थोड़ा रह गया, काम बढ़ते जा रहे हैं, तो बस जल्दी से बाल स्ट्रेट करती हूँ। आरसीएफ यार ना करो, जल्दी से बाल स्ट्रेट करती हूँ, उसके बाद जो है ना देखती हूँ फिर क्या करते हैं, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो ये जल्दी से मैंने कर लिए अपने बाल स्ट्रेट 10 मिनट्स के अंदर, बल्कि उससे भी कम टाइम में जल्दी से मैंने बाल स्ट्रेट किए हैं। अब नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्ली खाना बनाना, जल्दी से खाना बनाते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत सफाई करते हैं, देन वी विल गेट रेडी क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। आरसीएफ को नहलाते हैं और विकार बस आई थिंक आ जाएगा 4 बजे के करीब। तो अभी आरसीएफ को मैंने नहला दिया, उसके बाद देखें जो उसने गन डाला हुआ ना, इन सबको उठाती हूँ। टाइम अभी हो रहा है 3:15 हो गए हैं, 4 बजे तक मुझे रेडी होना है, खाना चूल्हे पर रख दिया है। इस टाइम मेरी मल्टीटास्किंग चल रही है, अब जल्दी से जो है ना इसको कपड़े वाले बनाती हूँ, बाद में सही वाले बनाऊंगी, अभी रेडी होती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ थोड़ा बहुत रेडी, मैंने अपना फेवरेट ब्यूटी बेकरी की लिपस्टिक लगा ली है, टिंट लगा लिया, सनब्लॉक लगा लिया और थोड़ा सा मस्कारा लगा लिया है, और आरसीएफ को मैं क्लोज बनाने लगी हूँ, अभी चेंज करवाने लगी हूँ। उसको खाना ऑलमोस्ट बन गया, चावल अभी नहीं बनाए, व्हाइट वाले बनाने हैं साथ, वो वापस आके बनाऊंगी, अभी टाइम नहीं है, 3:30 हो रहे हैं, 4 बजे तक वो कार कर रहा था, वो आ जाएगा और हम निकल जाएंगे। तो अभी जल्दी से चेंज करती हूँ, मैं भी आरसीएफ को कराती हूँ और फिर निकलते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ, निकलने से पहले आपसे मिलूंगी। तो यहाँ पे आरसीएफ हो गया रेडी, ये वाली शर्ट पहनी है, ये उसकी पैंट है, मैं पूछ रही हूँ कंफर्टेबल है कि नहीं, तो कह रहा है कंफर्टेबल है, तो उसकी स्किनी है और गुड, रेडी टू गो, मजा आएगा आपको स्कूल चले। तो बहुत एक्साइटेड, अभी तो कह रहा है स्कूल जाना है, अब जाके पता चलेगा कैसे रिएक्ट करता है। चलो ठीक है, बाबा आ जाए, बस फिर चलते हैं, पीछे वो टॉवल को इग्नोर करें, ठीक है, ड्राई हो रहा है। ये वाला कलर है, ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है, डिटेल्स ये है, इस तरह के कलर जो है ना मैं नहीं पहनती, मुझे नहीं पसंद इस तरह के कलर, लेकिन आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, तो मैंने ये ले ली एथनिक से, और आरसीएफ और मैं ऑलमोस्ट मैच ही कर रहे हैं ना, तो यस अभी फिर मैं हो गई हूँ रेडी, आरसीएफ भी रेडी है, अब कार का वेट कर रहे हैं बस हम। चलो वेट फॉर मी। मौसम आज का कुछ इस तरह से है, क्लाउड्स बने हुए हैं, सनी नहीं है, हवा अच्छी चल रही है, आरसीएफ सो एक्साइटेड टू गो। ये वाले जूता पहना मैंने अपने जॉकर। सो वकार वाज सपोज टू कम एट 4 और वो आया 4:30 पे, खैर दूर नहीं है नर्सरी, 10 मिनट का या 5 मिनट का रास्ता है, तो चले फिर पहुंच के आपसे मिलते हैं। एंड वी हैव अराइव्ड गाइस, आई कांट टेल यू व्हाट हैपेंड राइट नाउ, पूरा दिन सुबह से मुझे पागल किया हुआ है, अभी हम नर्सरी पे आए, मैं सोच रही हूँ कि रश नहीं है, लोग नहीं है, और पता चल रहा है कि नेक्स्ट ट्यूजडे को था ओपनिंग डे, और वकार को लगा इस ट्यूजडे को है। वो जो आरसीएफ की जो है टीचर या जो भी प्रिंसिपल आई डोंट नो व्हाट,
तो वो भी जो है ना वो भी हंस रही थी, और उसने फिर हमें सारा स्केड्यूल दिखाया है कि क्या क्या किस डे को है। बहुत अच्छी हैं वैसे, मैं दो टीचर से मिली हूँ, बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रेंडली थी। उन्होंने पूछा भी दार्शिफ के बारे में कुछ बातें, लेकिन जो बेसिकली ओपनिंग डे था ना वो नेक्स्ट ट्यूसडे को, यार वेनसडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट वेनसडे से। और आज हमें पूरा ना प्रैंक कर दिया आपने, ए फर्स्ट अप्रैल समझ के आज आरसीफ भी जो है ना रोने वाला हुआ। मैं कह रहा मैंने स्कूल जाना था, मैंने स्कूल जाना था, दादी पापा की गलती है सारी, ठीक है ना। अब बताएं क्या कहना है आपके इस बारे में, अब शर्मिंदा हो रहे हैं, अब स्पीचलेस हो गए, हंसी जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अब इतना आपने मुझे सुबह सुबह मैं उठी, इतनी वो स्ट्रेस होता है कि कहीं जाना है, रेडी होना है, सारे काम करने हैं, सुबह से मैं एक मिनट नहीं बैठी, ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है। मेरे जो नए मैंने कपड़े पहने हैं, अब इनका क्या होगा, बेचारा दार से सुबह से रेडियो के बैठा है। अब हमें भी हंसी आ रही है अपने कारनामों पे कस्टम से। अभी हम खैर आए हैं ग्रॉसरी स्टोर, दारसी का दूध खत्म हुआ है वो लेने के लिए। मैं अब गाड़ी में बैठी हुई, वकार और दारसी जा रहे हैं लेने के लिए। तो आ गए हैं हम घर वापस। सो गाइस बैक होम एंड बैक इन द किचन। तो बहुत बड़ा जो है ना हमारे साथ ब्लंडर हुआ, शायद यही किस्मत में आज लिखा हुआ था सुबह से उठ के सारे काम जल्दी जल्दी करना, तो इसी बहाने सारे काम तो हुए जल्दी जल्दी, सारे तो नहीं मतलब मोस्ट ऑफ देम हो गए। तो खैर चलता रहता सारा कुछ ये जिंदगी में, साथ साथ लिखा हुआ था आज हमारे साथ ऐसे होना तो हो गया। अभी खैर मैं बनाने लगी हूँ चावल, क्योंकि खाना खाना है, बहुत भूख लग रही है अब, तो जल्दी से वाइट राइस बनाती हूँ, खाना खाते हैं फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो ये है हमारा वो जो भी मैंने ये क्या इसे क्या कहते हैं, टिंडे के कद्दू था ये कद्दू। तो वकार से मैंने रिव्यू ले लिया, वो खा रहा है, वो कह रहा है अच्छे बने हैं। फर्स्ट टाइम वैसे मैंने ये बनाया, पीसेस शायद थोड़े बड़े कट किए हैं मैंने, बट टेस्ट अच्छा है। तो ये जो डेकोर के हम लेके आए थे ना, ये फ्रेम और एक ये वाला फ्रेम और एक ये वाला फ्रेम, ये उल्टा है, इसको हम अपना ये जो मेन डोर है ना इसके बिल्कुल सामने वाली वॉल के ऊपर लगाने लगे हैं। और भी बहुत सी डेकोरेट की चीज़ें पड़ी हैं जो अभी तक हमने नहीं लगाई हुई, टाइम ही नहीं मिल रहा, तो ये वाला हमने सोचा कि इसको तो पहले इस वॉल पर लगाएं। राशि पकड़ो, राशि लिपस्टिक लगी हुई है मुँह पे। तो ये एक अभी तक लगा है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ही प्यारा लग रहा है इस तरह से वॉल के साथ मैच हो गया। अब एक ऊपर लगना है, यहाँ नीचे लगेगा, मतलब तीन इस तरह सेट लगेगा। लेकिन वो वकार मस्जिद में नमाज के लिए लेट हो रहा था तो वहाँ चला गया, वापस आके लगाएगा, फिर मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। अभी तक आप फिलहाल ये देख लें। तो रात के 12 बजे वी आर बैक एट इट, दोबारा द काम स्टार्ट। इसको लगाते हैं ऊपर, बस करो बस। सो दिस इज गोइंग टू बी द व्यू व्हेन वी कम इनसाइड द होम। तो ये देखें तीनों इस तरह से लगा दिए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपस में मैच भी कर रहे हैं, कंट्रास्ट हो गया है कलर्स का। दिस इज वन देन दिस एंड देन बी काइंड वाला, तो अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, घर में अच्छा अच्छा फील हो रहा है। देन एक इस वॉल पे लगाना है, वो पर्सनलाइज बनवाया था लंदन से बनवाया था मैंने, कलमा लिखा हुआ है, तो वो उसका जो हमारे पास कील वो नहीं है फिलहाल, तो वो हम यहाँ लगाएंगे, वो बहुत प्यारा है, तो कल मैं दिखाऊंगी आपको लगा के। इस वाली वॉल पे हमने ये लगा दिया, ये हमें गिफ्ट मिला था, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है लव थॉट एट ऑल टाइम्स, और सारा लिखा हुआ है व्हेन स्टार्टिंग टू डू समथिंग, इंटेंडिंग टू डू समथिंग, कि कब कब क्या क्या कहना चाहिए, वो सारा लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने हॉलवे में लगाई हुई हैं, देन दिस देन वी हैव दिस, अभी ये वाला ऐड हुआ है और ये वाली वॉल ऐड हुई है, अभी बहुत कुछ ऐड होना है, अभी बहुत कुछ करना है, फिलहाल जो है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सारा। सो आज के ब्लॉग का एंड मैं इसी बैकग्राउंड के आगे करने लगी हूँ, और आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो आज का ब्लॉग पसंद आया हो। इट वॉज अ डे फुल ऑफ सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे ब्लंडर्स हुए, खैर द एंड इज ऑलवेज गुड, और एंड अच्छा हुआ है कि ये सारा कुछ हो गया आज के दिन, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा व्लॉग लगा होगा, इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।